बागपत में चार दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। मामला सिंघावली हरीर गांव का है, जहां चार दलित परिवार के 12 लोगों ने एक समारोह आयोजित कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म से आए महाराज प्रियंतीस भंते ने सभी परिवारों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। धर्म अपनाने वाले लोगों का आरोप है कि दलित होने के चलते उनको हीन भावना का शिकार होना पड़ता था, साथ ही छुआछूत का दंश भी झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते उन्हें हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। अच्छा, आज हमने यहाँ पे धम्म शिक्षा धम्म दीक्षा समारोह आयोजन कराया है, जिसमें चार पांच परिवार ने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में जाने का निर्णय लिया है और आज धर्म परिवर्तन किया है। ये हिंदू धर्म के घोसले पूजा पाठ भेदभाव ऊंच नीच की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इसलिए हमने आज ये बौद्ध धर्म लेने का निर्णय लिया है। दिक्कतें आ रही थी कुछ हिंदू धर्म में? हाँ, इसमें हिंदू धर्म में काफी दिक्कत आ रही है, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव सबसे ज्यादा है। और बाकी कुछ लड़के सहारनपुर के गए थे वहाँ मजदूरी करने जेएनके में, तो उनका यहाँ आके आरोप लगाना ये लगाया कि हम लोग वहाँ फैक्ट्री वाले ने अंदर हम लोगों को रोक रखा था और एक बार वहाँ कोई घटना हुई तो जो मजदूर वहाँ के थे वो जाके वहाँ पत्थर फेंक रहे थे, ये उसका कहना। और इनसे भी कहा कि तुम लोग भी ऐसा करो, तो इनने मना कर दिया। उसके बाद वो लोग भाग आए वहाँ से और ये इनका आरोप है। हम लोग इनसे जानकारी जो है उसको आगे पासान कर रहे हैं कि क्या सही क्या गलत। वहीं दर्जन भर लोगों के धर्म परिवर्तन करने की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और मौके पर गांव पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागपत से विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी।